आर पर्पस हीलिंग. तो हर वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? हीलिंग की वाइब्रेशन होनी चाहिए, तब हम अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं. तो 3 महीने सात्विकन एक्सपेरिमेंट करते हैं. सात्विक मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता है, सात्विक मतलब जो एक बहुत प्योर मन की स्थिति में बनाया जाता है. जो आपने 3 दिन यहाँ भोजन खाया है, इट इज द सिंपलेस्ट फूड दैट यू कैन ईट. देर वॉज नथिंग एलैबोरेट, नथिंग एलैबोरेट. लेकिन सब ने कहा बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है. बहुत अच्छा क्या था उसके अंदर? सिर्फ भावना, सिर्फ भावना. जिस मन की स्थिति से खाना बनाया जा रहा था. इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम बहुत 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 ज़्यादा अटेंशन इस पर रखते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न. तो जिस मन की स्थिति में खाना बनाया जाएगा, वो सारा अन्न का वाइब्रेशन बन जाएगा, और फिर वो अन्न जो जो खाएगा वो उसकी मन की स्थिति का वाइब्रेशन बन जाएगा. कितने भी मेहमान आ जाएं यहाँ, आप जब वापस जाएंगे रास्ते में आप शांतिवन पे रुकेंगे, जहाँ 20,000-30,000 मेहमानों का खाना बनता है एक दिन में, 3 मील्स. लेकिन एक चीज़ भी बाहर से नहीं आती है, एक भी चीज़ ऐसे नहीं कि कोई बाहर से आ गया और हेल्प कर दिया और खाना बना दिया. चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो सारी टोलियां हैं जो आप 3 दिन से ले रहे हैं, बर्फी है, लड्डू है, सब केक है, एनीथिंग. इट हैज़ टू बी मेड बाय दोज हु आर इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड आर लीडिंग अ वेरी वेरी सात्विक एंड प्योर लाइफस्टाइल, बिकॉज देयर वाइब्रेशन इज गोइंग इनटू द फूड. देयर वाइब्रेशन इज गोइंग इनटू द फूड. प्रसाद वो नहीं होता सिर्फ जो धार्मिक जगह पर मिल रहा है, प्रसाद वो होता है जो धार्मिक स्थिति में बनाया गया है, तब वो प्रसाद है. क्योंकि फिर उसकी फ्रीक्वेंसी प्योर है, और जो कंज्यूम करेगा उसको, उसकी मन की स्थिति पे वो असर हो जाएगा. 3 प्रकार से हम खाना खाते हैं. एक होता है हम खरीद के खाना खाते हैं, ईटिंग आउट, विच हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन थिंग टुडे फॉर अस एंड स्पेशली फॉर आर चिल्ड्रन. ईटिंग आउट सीम्स टू बी अ वेरी नॉर्मल वे ऑफ लिविंग. जब हम बाहर खाना खाते हैं, द एनर्जी इन टू द फूड इज फॉर प्रॉफिट. मनी इज द वाइब्रेशन ऑफ द फूड. आप खाओ, मैं कमाऊं. दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द फूड. जितना हम बाहर खाएंगे, और ये हमें प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है, जितना हम धन के लिए कमाया हुआ खाना खाएंगे, उतना हमारे जीवन में धन नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएगा, रिश्तों से भी ऊपर. हो गया कि नहीं? आज भाई भाई कैसे लड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी पे? कैसे लड़ सकते हैं? रिश्ते से भी ऊपर क्या हो गया? धन, पैसा. पैसा एक वो समय था जो हम पड़ोसी को दे देते थे थोड़ी सी अपनी लैंड. अच्छा, आपके घर में शादी है, प्रॉब्लम है, ये ले लो. और आज हम अपने घर के लोगों के साथ लड़ रहे हैं. मनी हैज़ बिकम नंबर 1 प्रायोरिटी बिकॉज वी आर ईटिंग फूड कुक्ड फॉर मनी. तो एक वो अन्न है. दूसरा अन्न है जो घर में बनाया जाता है, कुक्ड बाय द मदर ऑफ द हाउस. आपके बच्चे आपको हमेशा कहते होंगे, सपोज़ आपने घर में कोई स्टाफ रखा है खाना बनाने के लिए, क्योंकि आपका शेड्यूल, आपके बच्चे हमेशा कहते होंगे कि मम्मी जो आप बनाते हो ना, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. किसने आज तक सुना है ऐसी लाइन अपने बच्चों से, बताओ? एंड ये हो सकता है कि जो वो बनाते हैं वो आपसे ज़्यादा टेस्टी हो, लेकिन फिर भी उनको आपका बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है. प्रूफ है ना? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कौन सी गई? देने की. उसमें वाइब्रेशन कौन सी गई? लेने की. देना सुख देता है. देने की वाइब्रेशन मदर ने अपनी फैमिली के लिए अंदर डाली. और तीसरा भोजन जो आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारों में बनता है, वो किसकी याद में बना? वो परमात्मा की याद में बनता है. उसको हम कैसे लेते हैं? ऐसे. थोड़ा सा गिर भी जाता है नीचे तो क्या करते हैं? प्रसाद गिर गया, उठाते हैं, उसको वापस रखते हैं. अकेले भी नहीं खाते,
इतना सामान लेते हैं, पूरा रास्ता पकड़ के जाते हैं उसको अपने साथ घर, जाते हैं कि नहीं जाते? फिर रास्ते में जो मिला, इसको 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 क्या दे रहे हैं? हलवा ही तो है, हलवा ही तो है, इतना प्रेशियस क्यों हो गया ये? क्या हो गया, क्या दे रहे हैं? हलवा खिला रहे हैं हम हलवा खिला रहे हैं नहीं, क्या खिला रहे हैं? इस हलवे में डली हुई एनर्जी। जब हमें सब कुछ पता है तो हम रोज़ घर पे वैसा वाला हलवा क्यों नहीं बना लेते जिसमें वैसी वाली एनर्जी डली हुई हो? इतना सा क्यों दे रहे हैं सबको लाके? क्या हम घर में प्रसाद नहीं बना सकते? बना सकते, नहीं बना सकते? क्या हम घर में प्रसाद बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बनाना होता है प्रसाद? कैसे बनाना है प्रसाद? परमात्मा की याद की स्थिति में सात्विक वातावरण हो, भगवान की याद के गीत चलाओ और उसको याद करते करते खाना बनाओ। घर में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को एग्जाम की टेंशन है, आप खाने डालते समय ये खाने में वाइब्रेशन डालो, पीसफुल सोल, प्योर सोल, पावरफुल सोल, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इस खाने के कण कण में डली हुई हैं, इसका एग्जाम कल डेफिनेट बहुत अच्छा होने वाला है, अब खिला दो। और दूसरा ऑप्शन है खाना बनाओ और साथ साथ को पता नहीं क्या होगा, पूरा साल तो पढ़ा नहीं, मालूम नहीं कल क्या करके आएगा, सोया भी नहीं रात को ठीक से, वो वैसा वाला खाना कभी नहीं खिलाना क्योंकि पहले जितनी टेंशन थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी वो खाना खाने के बाद। कभी भी आपका मन परेशान हो, कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे हों, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं चल रही हो, सिर्फ रुकना और चेक चेक करना, मैंने आज किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया था, और उसको जाके पूछना कोई प्रॉब्लम है। कभी भी परेशान मन की स्थिति में खाना नहीं बनाना है। और जो आपके लिए खाना बनाते हैं अगर उनको आपने डांटा, तो आपको पता है वापस किसके पास आएगा वो? जो खाना बनाते हैं उनको भी सिखाओ कि परमात्मा को याद करते हुए कैसे खाना बनाना है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, उसका नाम है योगिक खेती। खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं भाई बहनें। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रही है कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। जो निकल के आती है ना चीज़ उस खेत से, एक तो उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक वाइब्रेशन से बनाई हुई चीज़ बनती है। उसका साइज़ अलग बन रहा है, उसका टेस्ट अलग आ रहा है, चीज़ की क्वालिटी अलग आ रही है, और ये साइंटिफिकली सारा स्टडी करके प्रूफ किया जा रहा है। और ये हम सब अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप दो पौधे लीजिए, एक पौधे को बहुत प्यार से बात करते करते पानी दीजिए और एक को सिर्फ ऐसे ही पानी दे दीजिए, फर्क हो जाएगा दोनों में? फर्क हो जाएगा दोनों में? करके देखना है सिर्फ। जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। अन्न के थ्रू किसी के भी मन को शांत किया जा सकता है,